नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। आज सबसे पहले बात बॉर्डर पर बरसने वाली हिंदुस्तानी तोप की। पाकिस्तान को हल्की गोली हजम नहीं होती है। पाक की बीमारी ही ऐसी है जिसका इलाज गोलियों से होने नहीं वाला है, गोलों से ही मुमकिन है। बीते कई दिनों से 120 mm का गोला दाग रहे पाकिस्तान को भारत ने अपनी तोप से 120 mm वाले गोले की दवा दे दी है। आपको याद होगा 29 अक्टूबर को BSF ने पाकिस्तान की चार पोस्ट को तबाह कर दिया था। उस हमले में बीते 13 सालों के दौरान पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान पर हुए उस तोप अटैक में कुल नुकसान की जानकारी आपको आगे बताएंगे रिपोर्ट में। लेकिन और ये भी आपको पता चलेगा कि 120 mm वाले गोले में कितनी जान जाती है। सबसे पहले तुम मोर्टार दागोगे, हम तोप दागेंगे। तोप की जुबान समझे पाकिस्तान। पाकिस्तान के 120 mm के मोर्टार का जवाब हिंदुस्तान ने तोप से दिया है। 13 साल बाद पहली बार हिंदुस्तानी तोपों ने बॉर्डर पर दुश्मनों को निशाना बनाया। भारत पाक बॉर्डर पर तोप से हमले की बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि कहीं भारत ने पाकिस्तान पर वो फोर्स तोप से तो हमला नहीं कर दिया। वो फोर्स तोप यानी जिसके आक्रमण से कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। लेकिन नहीं, भारत ने पाकिस्तान पर ना तो वो फोर्स तोप और ना ही वो फोर्स जैसे किसी दूसरे ताकतवर तोपों से हमला किया है। भारत ने 120 mm की क्षमता वाले तोपों से ही पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार 120 mm के गोलों से भारत की सेना, BSF और आम लोगों पर हमला कर रहा है। हिंदुस्तानी तोप 29 अक्टूबर को दुश्मनों पर बरसी थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि दुश्मनों पर तोप वाले इस हमले में कितने दुश्मन मारे गए। लेकिन उससे पहले आपके मन में कोई दुविधा ना हो, इसलिए इस वीडियो के बारे में बताना जरूरी है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है तो पाकिस्तानी पोस्ट की तबाही वाला वीडियो, लेकिन ये 29 अक्टूबर का नहीं है जिस दिन भारतीय जवानों ने तोप से हमला किया था। ये वीडियो BSF ने 2 नवंबर को जारी किया था। इस वीडियो में पाकिस्तान की 14 पोस्ट की तबाही का सबूत है। 1 नवंबर को भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान की 14 पोस्ट को बुरी तरह तबाह कर दिया था। केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही हमने टारगेट किया, उनको जो है पूरी तरह से उनकी सभी पोस्टों पर जहां से हमारे सामने फायर आया है उन्हें नुकसान हुआ है। जहां पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं या जानते हैं कि इन पोस्टों में पूरी तरह से भरपूर नुकसान दिया गया है, उनकी संख्या 14 है। इस जवाबी हमले में BSF ने 1 नवंबर को ही पाकिस्तानी गोलाबारी में हुई 8 लोगों की मौत का बदला ले लिया। जिस भी पोस्ट से फायर आ रहा होता है उस पोस्ट पर हम फायर जो है वापसी में डालते हैं। अब 29 अक्टूबर को दुश्मन पर तोप वाले हमले की वजह और नतीजा देख लीजिए। दरअसल 28 अक्टूबर की रात माचिल सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए। दुश्मनों ने उनके शव को शक्त विशक्त कर दिया था। मनदीप से हुई बर्बरता का बदला लेने के लिए देश के जवानों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की चार पोस्ट पर हमला कर दिया। तोप से हुए हमले में पाकिस्तान की चार चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ ये भी जान लीजिए। उसके जवाब में हमने फायर असॉल्ट किया जिसमें 4 बॉर्डर पोस्ट उसकी डिस्ट्रॉय कर दिए। 4 बॉर्डर पोस्ट का डिस्ट्रॉय करना का मतलब मेरे मुताबिक एनीथिंग बिटवीन 20-50 पाकिस्तानी ट्रूप्स मारे गए। बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेस के बिना इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने भिंबर और चपरार सेक्टर पर बिना इश्तियाल फायरिंग की। आर्टिलरी
का फायर किया है और उनके चार पोस्ट डिस्ट्रॉय करी हैं। तो वो भी अंदाजा है एक पोस्ट पर कितने आदमी होंगे, 30 से 40 लोग वहां भी आतात हुए। 120 mm की तोप को ट्रक के जरिए मोर्चे तक ले जाया जाता है। इस तोप को ऑपरेट करने के लिए 6 सैनिकों की जरूरत होती है। इसके हर गोले का वजन 10 किलो से लेकर करीब 20 किलो तक होता है। एक मिनट में ये तोप 10 गोले तक दाग सकती है और इसकी रेंज 8 किलोमीटर से ज्यादा तक होती है। 120 mm की तोप किसी जंग में ही इस्तेमाल की जाती है। इसका गोला जहाँ गिरता है वहाँ कई मीटर के दायरे में दुश्मन की हड्डियां तक चुनने को नहीं मिलती। कि 120 मिलीमीटर मोर्टर्स जो है वो हाई ट्रैजेक्टरी के फायर करते हैं, जो मोर्टर्स होते हैं, मतलब पहाड़ी के पीछे भी फायर हो सकता है। अगर किसी को लगे तो उनको भी बॉडी में हार्म हुआ होगा, किसी की आंख चली गई होगी, बॉडी के पार्ट्स चले गए होंगे, तो इस प्रकार नुकसान काफी होता है। इन तोपों का इस्तेमाल इससे पहले करगिल में बड़े पैमाने पर हुआ था, जब द्रास के ऊंचे पहाड़ों पर पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन को इसी तोप के जरिए मिट्टी में मिला दिया गया। मीडियम आर्टिलरी जैसे 155 मिलीमीटर है, जैसे बोफोर्स है, अगर उसका गोला आपके किसी बंकर पे गिरता है तो मजबूत बंकर भी उससे टूट जाएगा। जो पाकिस्तान के पास बंकर है हमको पता है वो किस साइज के हैं, उनको देखते हुए ये गने सफिशिएंट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में। 29 सितंबर को LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान 100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है, जिसमें सेना के जवान समेत अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 83 लोग घायल हुए। भारत पाक बॉर्डर से राजू केडनी और राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश की सेना पहले ही ये बात कह चुकी है कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया भी जाएगा। बीते कई दिनों से पाकिस्तान 120 mm के गोले भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर बरसा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत भी फिलहाल 120 mm वाला जवाब ही दे रहा है। बीते दो दिनों में उत्तर पूर्व भारत में मौसम भी तेजी से बदल रहा है, धुंध हावी हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर से पंजाब तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से धुंध के बीच ही सही जी न्यूज की अंधाधुंध रिपोर्टिंग जारी है। आज हम आपको पंजाब के फिरोजपुर के पास भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। दुश्मनों की तरफ निगाहें चौकस और संगीने तैयार हैं। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने के लिए BSF जवान तैनात हैं। ये पंजाब के फिरोजपुर के पास भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां धुंध के बीच दिन रात 2400 घंटे जवानों की अंधाधुंध पेट्रोलिंग जारी है। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा में फिरोजपुर के पास हैं। सरहद इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर फेंसिंग लाइन यहां से तकरीबन 200 मीटर दूर है। चारों तरफ धुंध है, जबकि इस समय दोपहर के 11 बज चुके हैं और ये धुंध मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब धुंध दिन में किसी वक्त छटेगी नहीं। यहां से तकरीबन 800 मीटर दूर पाकिस्तान की वो पेड़ों का झुरमुट के पीछे पाकिस्तान की पहली पोस्ट है। यहां पर सतलुज रेंजर्स की सेकेंड विंग की ये चौकी है। यही पाकिस्तान की 19 पंजाब रेजिमेंट तैनात है। फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर के पास इस पार BSF के जवान हैं और उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स। यह धुंध के बाद सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है सीमा पार से घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी। यहाँ बॉर्डर फेंसिंग लाइन यानी इस कटीली बाड़ के तकरीबन 400 मीटर दूर तक भारतीयों के खेत है, भारतीय किसानों के खेत है और उसके बाद फिर इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है। पाकिस्तान लगातार इस पूरे इलाके पर नजर रखता है ताकि वहाँ यहाँ ज्यादा से ज्यादा वो स्मगलिंग कर सके और पंजाब में पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिश करता है नशीली दवाओं को भेजने की ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी को तबाह किया जा सके। ISI ही सारी चीजों को हैंडल करती है, स्मगलर्स को भी, जासूसों को भी और आतंकवादियों को भी। इसलिए इस कटीली तार के बावजूद यहाँ पर हर वक्त सुरक्षा रखनी पड़ती है, हर वक्त नजर रखनी पड़ती है और खास तौर पर तब जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो। यहाँ पर जो तैनाती है
उसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग चलती रहती है दिन से लेकर रात तक। इस वक्त ये जो पेट्रोलिंग साथ में निकल रही है ये यहाँ कई किलोमीटर का इलाका ये कवर करेगी, और साथ में जो कसूर नाला है, एक नाला है जो आगे जाकर सतलुज में मिलता है, और यहाँ भी समस्या वही है कि सतलुज कई बार भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की सीमा में एंटर करती, और उसके भी साथ कई ट्रिब्यूटरीज हैं और कई नाले हैं, जैसे ये कसूर नाला। कसूर नाला पाकिस्तान से आता है, भारत में घुसता है और फिर भारत से वापस पाकिस्तान जाता है। ये एक तरह का रूट भी बना देता है और साथ में ये एक छुपाव भी देता है अगर घुसपैठिया या स्मगलर आना चाहे, खासतौर पर तब जब रातें अंधेरी हों और कोहरा बहुत ज्यादा। कोहरा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो आगे अभी कम से कम 2 महीने तक रहेगा, इसलिए ऐसे नालों पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो गश्ती दल जा रहा है पेट्रोलिंग के लिए जो जा रहा है, ये उस नाले की छानबीन करेगा और हम इसके साथ जाएंगे उस नाले को देखने के आखिरकार ऐसे नालों की सुरक्षा में क्या चौकसी बरतनी पड़ती है, क्या चुनौतियां होती हैं। कोहरा हो या अंधेरी रात, चौकसी में जरा सी चूक भी सीमा पार से बड़े खतरे की वजह बन सकती है, इसीलिए बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस वक्त कसूर नाले की पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं। एएसआई पलविंदर सिंह साहब हमारे साथ हैं बीएसएफ के। पलविंदर साहब, यहाँ पे इस नाले में देखते क्या हैं आप? खास हमारे पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, इसमें घूमने के लिए आते हैं, भी कोई भी किसी किस्म का कोई हरकत दिखाई दे तो हम नोट करके ऊपर अपने कमांडर को बताते हैं। ये नाला कसूर नाला, कसूर जो शहर 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का, वहाँ से आता है और आगे फिर सतलुज में मिलता है, तो यहाँ पे आपको खतरा क्या रहता है, रिस्क क्या रहता है? खतरा रहेगा, इसके पानी के अंदर से भी कुछ आ सकता है, हो सकता है कुछ स्मगलिंग हो सकती है, कोई मिलिटेंट एरा वगैरह है, पानी के अंदर से आ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल जैसे आप भी सुन ही रहे होंगे लगातार जम्मू फायर कर रहा है, लोग रोज फायरिंग हो रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पर रात को ही जब होते हैं, आप सबसे आगे, आप तो बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय भी हौसला रहता है, आएगा तो छोड़ेंगे नहीं? पूरा हौसला है, आएगा तो वो बच के जाएगा। हम इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर है, ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, कसूर नाला इसे कहते हैं, और ये नाला एक बहुत ही सस्पिशियस हमेशा रहता है बीएसएफ की नज़रों में। इसमें हम जो है हमेशा जो है चौकसी रखते हैं, पूरे जो है डे नाइट जो है 24 आवर्स जो है डोमिनेशन करते हैं बोट पेट्रोलिंग से, और जो है साथ में जो है बगल में जो है नाका लगाते हैं। अच्छा, इस इलाके में स्मगलिंग ही ज़्यादा है, स्मगलिंग का ही ज़्यादा खतरा है? स्मगलिंग का ही ज़्यादा खतरा है, उसके लिए डोमिनेशन जो है दिन रात करते हैं। अच्छा, इस ये सतलुज भी यहाँ पे कई बार अंदर जा पाकिस्तान में जाती है और बाहर आती है, जैसा रावी का है वैसा ही सतलुज का भी है यहाँ पे, तो बल्ज सा बनाती रहती है बीच में, वो भी एक परेशानी है। वो भी परेशानी, लेकिन उसमें उसके बाद भी उसको इस तरह से डोमिनेट करते हैं ताकि जो है किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। यहाँ सतलुज भी ऐसी ही चुनौतियाँ पैदा करती है, वो भारत में आती है फिर पाकिस्तान में जाती है और फिर भारत में आती है, और उन जगह उन वाटर बॉडीज़ की, सतलुज की और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदियाँ और नाले हैं, उनकी सुरक्षा करना एक हमेशा सबसे ज़्यादा चुनौती होती है, क्योंकि वो एक सीधा रास्ता है, एक हमेशा एक रूट मिल सकता है किसी भी घुसपैठिए के लिए, स्मगलर के लिए, आतंकवादी के लिए, या किसी भी ऐसे तत्व के लिए जो भारत को नुकसान पहुँचाना चाहता हो, और ऐसे मौक़ों पर बीएसएफ जो कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर तक में यहाँ पर पानी पर भी नज़र रखनी पड़ती है। ये बीएसएफ की पानी पर पेट्रोलिंग है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, फिरोजपुर। अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब के अमृतसर के पास, भारत पाक बॉर्डर पर, देखिए वहां पे। घोड़े पर बैठकर पेट्रोलिंग, लाहौर से आ रही समझौता एक्सप्रेस, और ट्रेन रोककर एक एक यात्री की हो रही कड़ी चेकिंग। ये तस्वीर अमृतसर के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव का असर हफ्ते में 2 बार चलने वाली इस समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पड़ता है। दरअसल ये ट्रेन हफ्ते में 2 बार भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत यात्रियों को लेकर आती है। ये 0 लाइन पर गेट है, गेट खुलता है, ये ट्रेन आगे आती है
और इस ट्रेन को बीएसएफ का जो हॉर्स पेट्रोल है, घुड़सवार दस्ते और जिप्सी सुरक्षित इसको यहाँ अटारी रेलवे स्टेशन तक लेकर जाते हैं और उसके बाद दिल्ली से आने वाली ट्रेन से जो पैसेंजर, जो मुसाफिर जिनको पाकिस्तान जाना होता है वो इस ट्रेन में बैठकर वापस चले जाते हैं और दिल्ली से आने वाली ट्रेन यहाँ पैसेंजर्स को लेकर वापस दिल्ली चली जाती है। इस ट्रेन में चौकसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत सख्त जरूरत पड़ती है क्योंकि इस ट्रेन के गुड्स वैगन में 100 किलो से ज्यादा तक का हेरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ा जा चुका। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव का असर समझौता एक्सप्रेस पर भी पड़ा है। सीमा पार से आने वाले रेल यात्रियों की तादाद में कमी आई है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनका दावा है कि बॉर्डर का तनाव मीडिया में ही दिखता है, आम लोगों के बीच कुछ भी नहीं। आपका नाम क्या हुआ? इरफान। इरफान, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कराची का। और अभी कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। कहाँ पे? जिला बिजनौर में। जिला बिजनौर। कितने दिन बाद जा रहे हैं? मैं तकरीबन 4 साल बाद जा रहा हूँ। इस वक्त आपने कुछ फर्क देखा क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में इसमें टेंशन बढ़ा हुआ है? तो कुछ भी नजर नहीं आया, जैसे पहले आते थे वैसे हवा, अल्लाह का शुक्र है, जैसे पहले जाते थे वैसे आगे भी, अब इंशाल्लाह ऐसे होगा। हमें किसी किस्म का कोई नजर नहीं आया, किसी किस्म का कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अली जमान। कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर के। लाहौर के। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अपने ससुराल। कहाँ पे है? बरेली में। बरेली में। तो अभी कशीदगी बढ़ रही है दोनों मुल्कों के बीच में, तो इस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि प्रोग्राम कैंसिल कर दें? नहीं जी, हमें तो यही कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमें तो मीडिया तक ही नजर आ रहा है। मीडिया तक ही नजर आ रहा है जी। लेकिन जैसे फायरिंग वगैरह चल रही है उसकी भी खबरें आपको आती होंगी? तो अक्सर चलती रहती है, मगर यह इतना वहां तो हमें महसूस नहीं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, अमृतसर।